पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अहम बल्लेबाज शोएब मलिक इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा इस वजह से कि टीवी शो के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगे। बता दें कि शोएब मलिक इन दिनों अपनी बीवी भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ अपने तलाक को लेकर भी सुर्खियों में हैं। दरअसल शोएब मलिक का यह वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, उसमें वह एक लाइव टीवी पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। शोएब मलिक से लाइव शो में एंकर ने 2009 T20 वर्ल्ड कप को लेकर कोई सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में ही शोएब मलिक भावुक होकर रोने लगे। शोएब मलिक ने कहा कि यूनुस भाई यानी यूनुस खान ने उस वक्त मुझे बुलाया और कहा कि आप ट्रॉफी पकड़ो, वे काफ़ी स्पेशल मोमेंट्स थे मेरे लिए। शोएब मलिक ये बात कहते हुए भावुक हो गए और लाइव टीवी पर ही रो पड़े। सोशल मीडिया पर शोएब मलिक का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि 2009 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को लॉर्ड्स में हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इसमें 139 रन का पीछा करते हुए यूनिस खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम ने महज 18.4 गेंदों में 8 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया था। उस मैच में ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने 40 गेंदों में 54 रन बनाए थे। वहीं शोएब मलिक ने उनका मजबूती से साथ दिया था और 22 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली थी। इस वर्ल्ड कप को ही याद कर शोएब मलिक भावुक हो गए और रोने लगे।